गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, क्या आपके भी नल में ऐसा है पानी टपक रहा है? तो देखिए, ये हमारा ये इधर वाला नल है, ये ठीक है। इसको हमने पहले रिपेयर कर दिया है। और ये हमारा मिक्सर है, मिक्सर हो या नल हो, आप खुद से ये काम कर सकते हैं। और हमारे इधर वाले में से ये पानी टपक रहा है, ये देखिए। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे एक केप आती है ऐसी, वो केप हमारे को निकालनी है। फिर इस स्क्रू ड्राइवर के सहायता से हमारे को इस नट को खोले, पेच को खोल लेना है। उसके बाद में देखिए, हमारे को इसमें ये पेच टूटा हुआ है, तो हमने इसको ऐसे डाल रखा है। आपके यहाँ पेच लगा हुआ होगा और इसके अंदर आपके यहाँ पंप ये चाबी लग जाएगी। जैसे हमारे पास ये 15 और 14 की चाबी है, आपके यहाँ उसमें 16-17 भी लग सकती है, लगभग इतनी लगती है। आप रिंच पाना भी ले सकते हो। और इसको हमारे को ओपन करना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इससे पहले हमारे जो टंकी होती है उसके पास एक वाल होता है, जिसके अंदर नीचे से पानी, जो ऊपर से नीचे पानी आता है उसको रोकने के लिए। तो आप उसको पहले बंद करना है, उसके बाद में ही ये काम करे। हमने टंकी से पानी बंद कर दिया है और इसको हमने खोलना चालू कर दिया है। देखिए, लूज हो गया है और अब ये खुल गया है। ये देखिए, इसके अंदर ये आता है, इसमें कचरा वगैरह आ जाता है। और अगर ये इसका जो सिस्टर्न होता है, इसमें अगर कचरा वगैरह भी नहीं आता है, तो ये वाला जो ये इसमें वाशर होता है, ये ख़राब हो जाता है। निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, कोई नहीं है, इस वजह से हम आपको आराम से दिखा रहे हैं। ये देखिए, अभी निकल नहीं रहा है, निकाल के दिखा देते हैं आपको एक बार, मैं वीडियो पॉज करनी होगी। ये देखिए, ये हमने निकाल दिया है, बस केवल ये इतना सा है। इसी से हमारा ये पानी रुकता है, ये हमने इसमें वापस लगा दिया है इसको। और इसकी जगह आप दूसरा लगा सकते हैं, अभी हमारे पास दूसरा अवेलेबल नहीं है। और कई बार ये भी ख़राब हो जाता है, तो ये मार्केट में मिल जाता है आराम से 50-60 रुपये का, क्योंकि इसके ये यहाँ से कट हो जाता है, तो इसकी वजह से ये पानी यहाँ से लीक होने लग जाता है वाशर से। तो ये हमारे को रिमूव करना है, दूसरा लगाना है। और अभी हम आपको बताने के हिसाब से कर रहे हैं, समझाने के हिसाब से, तो आप इसको इग्नोर कर दें अगर हमारा पानी लकीज होना बंद ना हो तो। ये देखिए, ये हमारे को ये 50-60 रुपये का मिल जाएगा। ये खोल के ले जाए या तो मार्केट में, या इसके साइज़ के मिलते हैं, इसको ये इसकी डेप्थ नाप ले इंची टेप से। देखो, वापस से इसको कस देना है। यहाँ पे एक हल्की सी टेप, लोन टेप लगा ले, वो 10 रुपये की आती है, ताकि यहाँ से भी हमारा पानी लकीज ना हो। और इसको पानी से कस दे। हमारा क्या है, जो चाबी थी वो थोड़ी स्लिप हो रही थी यहाँ से, हमारे को ये दूसरा लाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर से कट चुका है। ये 50-60 रुपये का आएगा, वो हम बाद में ला के लगाएंगे। बाकी अभी आपको समझाने के हिसाब से हमने ये वीडियो बनाई है, आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं घर पे ही, किसी प्लम्बर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई भी आपके नल टूटी वगैरह हो, जिसमें ऐसी दिक्कत हो, तो आप उसका केप निकाल के और उसका पेस्ट निकाल के, जैसे कि हम आपको बताया था, और उसको खोल के और आप उसको रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसका वाल खोल देते हैं पानी का, देखते हैं इसमें पानी टपकता है क्या। इसको हमने लगा दिया है, अब इसको बंद करके देखते हैं कि पानी रुकता है या नहीं रुकता है। इसको हमने बंद कर दिया है, एक मिनट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पानी रुक गया है, क्योंकि शायद हमारे उसमें वाल में कचरा आ रहा था, वो निकल गया है।
तो हो सकता है आपके ऐसे ही कोई प्रॉब्लम हो, तो आप वैसे करके देख सकते हैं एक बार, इसमें और देख लेते हैं कि पानी टपकता है क्या। जो पानी था वही पानी आ रहा है, बाकी उसके बाद भी नहीं आ रहा है, बाकी पहले बहुत काफ़ी पानी बह रहा था हमारा। ये देखिए हमारा टप भर चुका है पानी का, ये लकीर पानी से भरा है और अब इसमें केवल बूंद बूंद पानी गिर रहा है, वो भी रुक जाएगा और इसको कल हम चेंज कर देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।